जिन्होंने देश की आजादी से लेके देश के डेवलपमेंट पे तक चाहे अपने प्राणों की आहुति देने की बात हो, चाहे अन्य योजनाएं लागू करने की बात हो, कांग्रेस के नेताओं का और पार्टी की विचारधारा का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। और एक तरफ ये लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के टाइम तो अंग्रेजों की जासूसी की और आज भी केवल भाई और भाई को लड़ा के सत्ता हथियाने के काम के अलावा चाहे पैसे के दम पे सत्ता को गिराने की बात हो, इनकी विचारधारा कहीं डेवलपमेंट की या भाईचारा बनपाने की है ही नहीं, इस देश को पीछे ले जाने की है। एक 21वीं सदी में ले जाने वाले हर विचारों से आगे बढ़ाने वाले राजीव गांधी जी थे। तो हमारे महापुरुषों की जीवनी इतनी सुदृढ़ है कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर चौपाल में बैठ के हमारे नेताओं के द्वारा किए गए कामों को बताने लग जाए, तो मेरी गारंटी है इस हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत कंप्यूटर क्रांति के जनक और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म दिवस पूरा देश एक सद्भावना दिवस के रूप में मना रहा है और आज उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है कि किस तरीके से उन्होंने युवाओं को बढ़ाया, किस तरीके से मातृशक्ति को आगे बढ़ाया, किस तरीके से इस देश में कंप्यूटर क्रांति लेके आई जिसकी वजह से आज देश इतना आगे बढ़ पाया। और आज के दिन हम सभी जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा के निर्देशानुसार वृक्षारोपण करके इस अभियान को जो लगातार कांग्रेस कमेटी हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए करते रहते हैं वो तो कर ही रहे हैं। साथ ही आप सबको पता है कि 21 अप्रैल को हमारे भाई बंधुओं द्वारा पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है क्योंकि वर्तमान में केंद्र में बैठी सरकार हो चाहे प्रदेश में बैठी सरकार हो वो हर तरीके से किसान वर्ग को हो चाहे एससी एसटी वर्ग को हो उनका आरक्षण खत्म करना हो उनको दबाने का और प्रयास कर रही है, जिसके संदर्भ में जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसमें आज हम सब ये निर्णय लेके हमारी पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता चाहे वो छोटे छोटा कार्यकर्ता है चाहे हमारे बड़ा से बड़ा नेता है सभी ने ये निर्णय सर्वसहमति से लिया है कि भारत बंद में कल हम लोग आपसी सहमति से पूरी कांग्रेस झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस बंद को सफल बनाने में उनका पूरा सहयोग किया जाएगा ताकि जो केंद्र में बैठी सरकार है वो आरक्षण से या गरीब तबके को दबाने का प्रयास नहीं करे।